फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप जो भी पढ़ते हो उसको मेमोराइज कैसे कर सकते हो। आपको ये टेक्निक्स जो हैं ये मालूम होनी चाहिए, तभी आपका जो पढ़ा हुआ है वो बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आप इतना सारा सब कुछ पढ़ते जाओगे और अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है कि कैसे याद रखें, तो कोई बेनिफिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ डालो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ये जो बुक, ये पिक्चर आपको दिख रही है, जोशुआ फॉर द मून वॉकिंग विद आइंस्टीन, ये एक बुक है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक पत्रकार रहता है जोशुआ फॉर नाम का, और वो एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी एवरेज मेमोरी होती है, और किस तरह से वो जाके अपने फ्रेंड से टेक्निक सीखता है, कुछ लोगों से जाके पूछता है जो मेमोरी चैंपियनशिप के जो विनर रहे होते हैं, तो उनके उसकी कैसे जर्नी रहती है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस गेन करता है। उसको हमेशा से ये लगता था कि अगर उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती तो वो बहुत कुछ कर सकता था इस दुनिया में। तो ये सोच लेकर वो सबसे सीखता जाता है, और उसने पूरी अपनी जर्नी इस तरह से बुक में बताई हुई है। और फाइनली वो क्या करता है, वो चैंपियनशिप में खुद पार्टिसिपेट करता है और विनर बनता है। तो वो एक नॉर्मल एवरेज मेमोरी वाले इंसान की जर्नी कैसे ऐसे बन गया, उसने ऐसा क्या कर दिया, ये उसकी जो पूरी जर्नी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी टाइम मिले तो कभी इस बुक के बारे में पढ़िएगा। ये मून वॉकिंग विद आइंस्टीन इसलिए नाम इसका दिया गया कि जैसे आइंस्टीन के साथ वो मून वॉकिंग में गया है, तो किस तरह से उनको वापस लौटना है, तो उनको रास्ता कैसे याद रखना होगा। तो वो ये इसलिए इस बुक का नाम रखा है कि उस रास्ते को याद करने के लिए किस तरह से मेमोरी हेल्प करती है। वो अपने आप को एज्यूम कर रहा है कि जैसे वो अगर वो आइंस्टीन के साथ जा रहा है मून वॉक पे, तो उसको किस तरह से वो लोकेशन याद रखनी पड़ेगी ताकि वो वापस आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इस बुक का नाम ऐसा है। ये बात थोड़ी हटके है, इसमें जो समरी के बेसिस पे ये नाम रख दिया है बुक का, लेकिन अंदर इसके बारे में जर्नी लिखी हुई है उसने कि किस तरह से आपको मेमोरी में जाती है कोई भी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न फ्रॉम दिस बुक। आप जब ये बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ चीज़ें जो समझ में आती हैं हमको, जो हम सब गलत करते हैं कि व्हाट वी डू इज मेयरली रोट लर्निंग, लिटिल एनालिसिस। हम क्या करते हैं ना, हम ज़्यादातर चीज़ों को जैसे तोता नहीं रटता है, उसका मीनिंग नहीं समझता है और वो तोते की तरह रटते चले जाते हैं। ठीक है, और वो रटने के, तो ये जो कमी हम सब करते हैं, इसी वजह से हम जब उसको रिट्रीव करनी होती है, उस इन्फॉर्मेशन को जो हमने मेमोरी में स्टोर करी है, वो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हमसे ये गलती होती है। तो इस बुक की जब समरी आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी इसके बारे में बताया गया है, इस बुक की समरी के बारे में बताया गया कि चंकिंग कर लो, माइंड मैपिंग कर लो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा जो मैंने खुद से भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और मैंने ये पाया कि सच में इसे बहुत इफेक्ट होता है इसका। और मैंने कई चीज़ें ऐसे याद करी और देखा कि वो मैं भूल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं उस चीज़ को याद करने में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निक तो बताना आसान है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो क्या डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं क्या क्या सॉल्यूशन बताए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या है कि जो आप कोई भी चीज या नया डेटा या इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो आप, ठीक है, तो उसको आप विजुलाइज करो। ठीक है, विजुलाइज क्या होता है कि आप ना अपनी आईज क्लोज करके उसको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करो, कोई भी इंफॉर्मेशन को उसको उसकी इमेज लो। ठीक है, तो इमेज आप कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं, किसी का नाम है, ठीक है, उस नाम को आपको नहीं समझ में आ रहा है इमेज, तो आप उसके साउंड पे जाओ, उसका साउंड कैसा निकल रहा है, उस साउंड से उसकी इमेज बनाओ उस चीज की। ठीक है, या उसकी अगर नॉर्मल इमेज बन जाती है तो अच्छी बात है, या उसके नाम से मिलता जुलता कोई निमोनिक्स का पिक्चर बना लो, या उस चीज को किसी समथिंग स्पेशल चीज से आप डिनोट करो जो जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उससे आप विजुलाइज करो। अब आप देखोगे कि जो विजुलाइजेशन का जो पार्ट है ना, ये विजुलाइजेशन का पार्ट ही हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं विजुलाइज करूंगा किसी चीज को तो मेरे विजुलाइजेशन का तरीका अलग होगा। ठीक है, आप विजुलाइज करोगे तो आप दूसरे तरीके से विजुलाइज करोगे उसको। तो ये जो विजुलाइजेशन है, असली टैलेंट यहीं स्टार्ट होता है। ये टेक्निक आपको कोई विजुलाइज करना नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद से सीखना होगा कि आप कैसे विजुलाइज करोगे। ठीक है, अब विजुलाइजेशन के लिए आप क्या हेल्प ले सकते हो कि हर आदमी, आप इस बुक में पढ़ोगे कि इसमें जैसे इस स्लाइड के लास्ट में लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज ए ग्रेट
मेमोरी फॉर समथिंग, मतलब हर आदमी के पास कोई ना कोई मेमोरी ऐसी होती है जो किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे किसी को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो उससे मूवीज़ के बारे में आप पूछ लो, स्टोरी बताता चला जाएगा, वो स्टोरी नहीं भूलेगा। ठीक है, किसी की मेमोरीज क्रिकेट में बहुत अच्छी होती हैं, आप देखोगे क्रिकेट में से स्कोर पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कब कौन सा मैच हुआ था, किसके साथ हुआ था, कितने प्लेयर, सबके नाम सहित सब कुछ पता रहता है उसको, कौन सी कंट्री। तो ये विजुअलाइजेशन में आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कि आप विजुअलाइज करो तो उस चीज़ से एसोसिएट कर दो आप, जो चीज़ ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी है, मेमोरी है। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन हो गया कि आपने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ली, उसको आपने साउंड या इमेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है कि आप वो इमेज इमेज तो बना लिया आपने, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट आपको याद नहीं होता है, कोई भी कहानी ऐसी लिखी है वो आपको याद नहीं होती है जब तक इमेज नहीं बनती है। जब आप छोटे बच्चों को जब आप देखते हो ना, जब बोलना सिखाते हो, तो आप देखते हो कि छोटे बच्चों को हर चीज़ की आप इमेज दिखाते हो। आप एप्पल एप्पल बुलाओ तो उसको एप्पल बोलो तो नहीं सीखेगा, लेकिन आप एप्पल दिखा दो और फिर पूछो कि ये क्या है, तो वो जल्दी बोलेगा हाँ ये एप्पल है। तो वो इमेज के इमेज से बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो आपने देखा कि इमेज में पहले आपने कन्वर्ट कर लिया, अब बात आती है कि वो इमेज को स्टोर कैसे होगा। ठीक है, अब आफ्टर फॉर्मिंग इमेज यू नीड दैट इमेज टू बी स्टोर्ड इन माइंड। अब वो इमेज को आपको माइंड में स्टोर करना है, तो वो स्टोर कैसे करेंगे आप, दो टेक्निक इस बुक में बताई गई हैं। दोनों टेक्निक में क्या क्या है, एक है मेमोरी पैलेस और दूसरी टेक्निक है आपकी एसोसिएशन। जो मेमोरी पैलेस जो टेक्निक है, मेमोरी पैलेस क्या है, आप पैलेस जैसे महल समझते हो, महल। ठीक है, तो आप ये जो पिक्चर आपने जो विजुलाइज करी है, उसको आप अपने दिमाग में एक लोकेशन सेट करोगे। ठीक है, एक पैलेस ऐसा बनाओगे। एक पैलेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो, और उस रास्ते में आपको कई सारी दुकानें रोज मिलती हैं, रोज घर से आप स्कूल जा रहे हो, घर से कॉलेज जा रहे हो, या घर से ऑफिस जा रहे हो, तो रास्ते में आपको वो शॉप्स दिखती होंगी। ठीक है, और वो शॉप्स आपको रोज देखते हुए जाते हो, और आपको उसका ऑर्डर भी याद हो गया, इतनी बार आप गए हो कि आप वो मरते दम तक नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो वो शॉप को आप ना एक मेमोरी में, एक आपने उसको नेविगेशन जो है, वो फिजिकल स्पेशल जो उसका नेविगेशन है, वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया है। तो आप क्या करो, आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लो और उसको नई इन्फॉर्मेशन, या कह दो आप इमेज लो और उसको उस शॉप को मतलब आप दे दो। ठीक है, कि ये जो शॉप है, ये जो मेरी जो नई इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, मैंने इसको इससे एसोसिएट कर दूंगा, इस शॉप से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब अगली बार उस शॉप से गुजरोगे, तो आप एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका जब निकलोगे, और आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, और अगली बार आपको कभी ये याद रखना होगा, आपसे कोई पूछेगा तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप उस शॉप के बारे में सोचोगे और आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और मेमोरी पैलेस का जो ये तरीका है, ये तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे मेंस में आप एग्ज़ाम में आपको लिखना रहता है। ठीक है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, उसमें आपको लिखना है। और मान लीजिए ऑर्डर भी उसका इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ का ऑर्डर से किसके बाद कौन आया, क्रोनोलॉजी या कोई ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसके जैसे मान लीजिए आपको गवर्नर जनरल याद करने हैं, इतने सारे लाइन से याद करने हैं, 52 है ना, वो तो आप किसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, तो आप उसको ना रास्ते की एक एक दुकान के हिसाब से एक एक गवर्नर जनरल को देते जाओ कि इस दुकान में ये, इस दुकान में ये, कम से कम 52 लोकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा कंबरसम रहता है, हेक्टिक टास्क रहता है मेमोरी पैलेस टेक्निक में। वो 52 लोकेशंस आपको आसपास अपने देखनी होगी, और जब आप सुबह निकलोगे तो उस रास्ते में जाओ, और रास्ते से एक एक करके एक दो बार ऐसा रिवाइज हो जाएगा आपका, उसके बाद वो परमानेंट याद रहेगा। आप जब भी उधर से निकलोगे या कभी कोई पूछेगा गवर्नर जनरल, तो आप उस रास्ते को आंखें बंद करके याद करोगे और आपको याद हो जाएगा, और बहुत और मतलब नहीं भूलोगे। अब ये देखिए 100% की बात तो नहीं है, तो प्रैक्टिस पे होता है। मान लीजिए आपने उसको ज्यादा रिवाइज नहीं किया, तो आप देखोगे कि पहले अगर आपको कुछ नहीं याद रहता था, तो आप देखोगे कि आपको मतलब 80-90% चीजें फिर भी याद रहेंगी, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, मैंने भी करके देखा है। आप याद करोगे, आप ये गवर्नर जनरल का ही एग्जाम्पल ले लो, आप याद करो गवर्नर जनरल सारे के सारे, ठीक है, को लाइन से, और सबको आप इमेजिन करो, जो आपका डेली रूट हो, या घर में आपको कोई लोकेशन हो, या कोई पैटर्न हो ऑर्डर वाइज, तो आप उसमें देते जाओ उसको, अलॉट कर दो उस जगह कि ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, तो आपको सारे नाम याद आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने मेमोरी पैलेस, अब विजुलाइज आपने किया, ठीक है, उसको वो लोकेशन आपने दी। ठीक है, अब विजुलाइज और लोकेशन देने के बीच में भी इंटरलिंकिंग आपको करनी पड़ेगी, इंटरलिंक करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप जो लोकेशन उसको दे रहे हो, आपको उसको विजुलाइज करना, उसे कुछ एसोसिएट कर लो, ठीक है, कि ये विजुलाइजेशन जो मैंने किया है इसलिए किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब एसोसिएशन निकाल लो उस लोकेशन से, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप एसोसिएट कर लेते हो तो और अच्छा है, ठीक है। तो मेमोरी पैलेस टेक्निक ये हो गई, और एसोसिएशन विद ऑलरेडी नोन इन्फोस। अगर मान लीजिए आपको मेमोरी पैलेस टेक्निक में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पैलेसेस आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी लोकेशन घूमी हुई होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, और ऑर्डर कई बार हौच-पौच हो जाता है। जैसे आप कमरे में मान लीजिए आपने हर जगह को, अपने टीवी को, फ्रिज को, कूलर को, कोई मैं याद करने के लिए लोकेशन की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, तो ये लोकेशन में आप कोई डेटा स्टोर करोगे तो आप कई बार क्या होता है कि हौच-पौच हो जाता है, भूल जाते हैं आपकी, और ऑर्डर अगर होगा तो आपको ये नहीं याद आएगा कि टीवी पे पहले है कि फ्रिज पहले है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्डर वाली चीज़ है तो वो उसको लाइन से देते जाओ, जिसको आप रोज सिक्वेंस फॉलो करते हो, ठीक है। ऑर्डर नहीं है तो फिर आप दे सकते हो टीवी फ्रिज इस तरह से, लेकिन कई बार ये हौच-पौच होता है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक एक माइनर चीज के साथ उसको एसोसिएट भी करना पड़ेगा, कोई कहानी बनानी पड़ेगी उससे रिलेटेड, कि ये जो चीज मैं एसोसिएट कर रहा हूँ इसकी इससे क्या कहानी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे मैंने, जैसे आप लॉर्ड क्लाइव है, क्लाइव क्या है, क्लोव, आप क्लोव जैसे उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, क्लोव क्या होता है, लॉन्ग होती है, ठीक है, तो क्लाइव का नाम को हमने लॉन्ग से ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि लॉन्ग है, ठीक है। तो कोई भी सामान, कोई भी चीज़ विजुलाइज कर लो आप, उसके साउंड से विजुलाइज कर लो, इमेज से विजुलाइज कर लो, कुछ मिलता हुआ कुछ भी विजुलाइज कर लो, ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए, समथिंग स्पेशल वाली बात जो मैंने लिखी हुई है वो क्यों लिखी हुई है, अब जैसे आपसे कोई पूछे आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछे कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आप और ज़्यादा अच्छे हो तो वो भी याद कर सकते हो। आपसे कुछ परसों क्या खाया था, तो आपसे 10 दिन पहले पूछा था आपने क्या खाया था, तो आपको याद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी मेमोरी है ना, हमारी मेमोरी ये जानती है कि आप फालतू चीज़ें क्या करोगे याद करके, आपको 10 दिन पहले क्या खाया था उसको याद रख के क्या फ़ायदा। तो वो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, जो वर्किंग मेमोरी है, जो इसको रैम समझ लो हमारी, ठीक है, तो वो समझती है कि ये कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन है, ये कोई मतलब की नहीं है, तो नहीं याद होगा आपको, ठीक है, ना ही लॉन्ग टर्म में वो जाएगी भी नहीं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए आप क्या करो, कि उस मान लीजिए आपसे पूछे कि आपने बर्थडे के दिन क्या खाया था, या उस फंक्शन के दिन आपने वहाँ पे क्या खाने को मिला था, तब तो आपको याद रहता, क्योंकि वो सिचुएशन, वो ओकेजन, वो इम्पोर्टेंट यूजफुल हो जाता है आपके लिए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चली जाती है और आपको याद भी रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर फालतू चीज़ें सारी याद होने लगी हैं हमको, तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए कितना हेक्टिक हो जाएगा, हर चीज़ को ब्रेन में सब भरा रहेगा बेमतलब की चीज़ें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी स्टोर करने से रिलेटेड, कि आप स्टोर कैसे करते हो। अब बात करते हैं हम रिट्रीवल से रिलेटेड, कि आप हमको एग्जाम में लिखना भी तो है ना, इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्टोर करके ही कोई फायदा थोड़ी ना है, तो लिखने के लिए क्या करना होगा, रिट्रीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू मस्ट नो ओनली सिंगल क्लू हिंट यू विल एक्सेस दैट इन्फो। होता क्या है कि हमारी मेमोरी में आपने स्टोर कर लिया, अब लेकिन आपको क्लू चाहिए होगा, ठीक है। अब क्लू कब चाहिए, अब जैसे मान लीजिए मेमोरी पैलेस आपने नहीं कब बनाया है, ठीक है, तो आप मेमोरी पहले नहीं बनाया तो उसको एसोसिएट कर लिया होगा आपने किसी पुरानी चीज़ से, तो आप उस पुरानी चीज़ के बारे में सोचोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। या आपने ये भी नहीं किया, ना ही आपने एसोसिएशन किया है और ना ही आपने मेमोरी पैलेस किया है, लेकिन आपने उसको विजुलाइज किया था, ठीक है। जब विजुलाइज किया होगा तो विजुलाइज आपने कई सेंसेस में किया होगा, कि वो इमेज है, जैसे आप किसी भी चीज़ को इमेज करते हो, जैसे आपने क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव याद करना है, रॉबर्ट क्लाइव याद करना है, तो रॉबर्ट क्लाइव याद करना है, तो क्लाइव को आपने क्लोव से लॉन्ग से इमेज किया, इमेज बनाई, और फिर आपने लॉन्ग जब आप इमेजिन करोगे तो आप देखो क्लाइव का लॉन्ग से कोई रिलेशन रहा, तो आप दुनिया भर की फर्जी की कहानी बनाओगे, और फिर आप देखोगे स्मेल भी फील करोगे क्लाइव की, और इस तरह से। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि पहला मतलब ये कोई चीज़ बात आएगी, आपसे पूछा जाएगा गवर्नर जनरल, आपको क्लाइव याद रखना है, तो आपको अगर याद आया कुछ, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग से कुछ स्मेल, आप जब हो सकता है आपको लॉन्ग ना याद आए कि आपने क्लोव से बनाया था, आपको नाम नहीं याद आ रहा, तो आपको कुछ स्मेल ऐसा फील होगा कि कोई स्मेल आप, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपने इन्फॉर्मेशन उसको फीलिंग्स में भी डाल दिया, क्योंकि आपने जब उसकी लॉन्ग सोचा तो आपने स्मेल में उसके कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो आपने बहुत जगह एसोसिएट किया हुआ है, तो आपको थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आप डायरेक्ट रॉबर्ट क्लाइव याद करो तो नहीं याद होगा, लेकिन आपने उसको लॉन्ग से एसोसिएट किया और फिर दुनिया भर की चीज़ें और कहानी बना ली, तो आपको क्लू थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्लूज मिलने लगते हैं, हिंट मिलने लगती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि
वो लड़का जो था, तो आपको नाम नहीं याद आ रहा तो आप बताते हो ना वो, अरे वो मोटा मोटा है जो छोटा सा लड़का है जिसके बाल नहीं है सर पे, वो तब आदमी को एक कहानी याद आती है, अच्छा वो उसकी बात कर रहे हो तुम, है ना। तो उसके जो विजुअल विजुअल से बताते हैं ना, उससे उसको क्लू मिलते रहते हैं। तो क्लू अगर आपको बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जाम में, जैसे प्री एग्जाम में तो इसका बहुत रोल है, अगर आपको वनडे एग्जाम्स क्रैक करने हैं और अगर आपने क्लूज अपने बहुत बढ़ा रखे हैं, तो आप ना उसको रिकलेक्ट और रिट्रीव बहुत आसानी से कर सकते हो। और अगर क्लूज नहीं है, विजुलाइज नहीं किया है, तो आपके पास क्लूज भी नहीं होंगे, तो आप एक रोट लर्निंग की तरह आपने याद किया होगा, तो आप कोशिश करते रहोगे, आपको याद नहीं आएगा। और याद आएगा तो कब याद आएगा, जब आप बाहर निकलोगे एग्जाम देके और फिर 2-3 दिन बाद याद आ रहा है कि अरे ये था, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ विजुलाइजेशन इज दैट यू गेट मैनी क्लूज ड्यू टू योर सेंसेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिट्रीवल के लिए, ठीक है। अब इन केस मेमोरी पैलेस, अब मेमोरी पैलेस टेक्निक है, आपने मान लीजिए जैसे रास्ते को अपने जगह वो असाइन किया है कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप जब उस रास्ते के बारे में सोचोगे ना, तो आपको जरूर याद आएगा, क्योंकि आपने कहानी भी एसोसिएट कर ली है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने रास्ते में तो उसको डाला, स्टोर किया, लेकिन आपने रास्ते उसके बीच में रिलेशन नहीं बनाया। रिलेशन बनाया होगा तभी तो याद होगा ना, ऐसे कैसे आप याद करोगे। तो रिलेशन बनाया आपने, तो आप जब रास्ते उसको याद करोगे, तो कोई ना कोई रिलेशन आपके सामने खुल के जरूर आएगा और आपको याद आ जाएगा 100% क्लू। तो एक तरह से ये जो है ना मेमोरी पैलेस, ये आपको क्लू देता है, या आप समझ लो एक एड्रेस देता है कि इस एड्रेस के अंदर वो डेटा स्टोर है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर उस डेटा के में को उठा लेते हो, ठीक है, मेमोरी पैलेस। अब आप जैसे देखो, आप लाइब्रेरी में क्या होता है, कई सारी बुक्स होती हैं, तो उनका इंडेक्सिंग की जाती है ना, ए बी सी, ए नेम, ए वाली इधर मिलेंगी, बी वाली इधर मिलेंगी, सी वाली उधर। तो आप भी एक इंडेक्सिंग कर रहे हो अपनी मेमोरी में, आपने वो लोकेशन में ए वाला रख दिया, तो आप उधर जाओगे तो आप कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपके मतलब का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, खाली हाथ तो नहीं लौटना रहेगा, ठीक है। अब मेमोरी पैलेस टेक्निक में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, होता क्या है कि कई बार बहुत सारी लोकेशंस आपको मेमोराइज करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि आप जैसे एक कमरे को आपने कोई डेटा दिया, तो आप उस कमरे को बहुत सारा डेटा नहीं दे सकते फिजूल का, या तो इंटर रिलेटेड डेटा तो दे सकते हो आप, जो उसी से जुड़ा है, जो आपने दिया था उसी से एडिशनल इन्फो दे रहे हो आप, लेकिन अगर आप ये सोचो कि उसको आप दूसरी चीज के लिए यूज कर लो, तो आपको पहले वो डेटा डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने टीवी को विजुलाइज किया था कि टीवी जो है किसी कैरेक्टर से मिलता जुलता है, ठीक है, उस कैरेक्टर से मिलता जुलता है, टीवी की तरह उसका नेचर है, टीवी में जैसे ये सब आता है तो उसमें भी आता है, उसके उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, ठीक है। टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं, तो वो भी इडियट है, तो इस तरह से आपने कुछ बनाया। लेकिन अब आपने उसको फिर जब आप दूसरी कोई टीवी को देना चाहोगे ना, कोई दूसरा कैरेक्टर, तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप पहले उसको दे चुके हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मेमोरी पैलेस में। तो इसके लिए आपको क्या होगा ना, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स और अपने रूम की जो रोज़ देखते हो आप, फर्जी नहीं, ठीक है, जो रोज़ आप जिससे गुजरते हो, वो सारी लोकेशन याद रखनी होंगी, उनके आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे, और एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो परमानेंट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो जो लोग आपको जैसे बहुत सारा वास्ट डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो आपको सोचो कितनी सारी मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होगी, बहुत सारा मेमोरी लोकेशन चाहिए होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने टेक्निक कर ली, मान लीजिए आप घर बैठ के अगर प्रिपेयर ही कर रहे हो 1-2 साल से, तो आप ये मेमोरी पैलेस भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो आप साल भर बैठ के मेमोरी पैलेस ही ढूंढ पहले बना लो, दिमाग में सेट कर लो सारे। जब आपके पास मान लीजिए 1,000, 2,000, 3,000 मेमोरी पैलेस अगर हो गए दिमाग में, तो आप अगर अपने घर को बारे में सोचोगे, मान लीजिए आप एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हो अपने दादी के घर से या नानी के घर से, और मिडिवल आप किसी बीच वाले घर में जो आपके मौसी घर पड़ रहे हैं या उससे विजुलाइज कर रहे हो, और मॉडर्न हिस्ट्री आप अपने घर में ढूंढ रहे हो, तो आपको 3 लोकेशन मिल गई, ठीक है। अब एंशियंट हिस्ट्री में जो आपके नानी के घर 3 मंजिल का है, तो 3 मंजिल में जितने सामान हैं, उन सामान से आप ऑर्डर से हिसाब से निकलते हुए आप सब डिटेल दे सकते हो, उनको असाइन कर सकते हो। तो आप जब याद करोगे ना, जब आप एंशियंट हिस्ट्री को, तो आपको याद होगा कि सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, तो वो एक कमरा था, उस कमरे में जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे मिले हैं, ठीक है, एसोसिएट कर सकते हो आप चीज़ों को। तो आप जब आपको रिट्रीव करना होगा ना, तो आपको जो क्लू है, वो क्लू क्या होगा, वो क्लू वही होगा कि आप उस घर के बारे में सोचोगे, तो वो क्लू की तरह काम करेगा और वो चीज़ें आपको याद आती रहेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक और इशू होता है
कि हॉचपॉच हो जाता है। जैसे कई बार आपने कोई इमेज दी तो आपने, अगर देखिए आप अगर बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो किसी लोकेशन से तब तो आपको बहुत ईजी रहता है, लेकिन आप फैमिलियर नहीं हो तो आपकी जो इमेज है उसका एसोसिएशन जो आप करते हो उस लोकेशन से, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो आप कमरे में देख रहे हो, तो उसका एसोसिएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए और बहुत डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। ये कई बार क्या होता है, आप डिजोल्व हो जाता है वो चीज़, समझ ही नहीं आती। आप पूरे कमरे, मान लो एंशियंट हिस्ट्री आपने पूरा कमरे में बनाया और आपने एक दो ऑब्जेक्ट्स, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सब देखे, जितने दिखे वो आपने कर लिया, लेकिन मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्ट्स मिस हो गया, आपको नहीं याद आ रहा है, दिखा नहीं, तो फिर वो आपको याद भी नहीं आएगा, ठीक है, वो क्लू नहीं आ जाएगा। जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, ट्यूबलाइट, ये सब तो आप देख ले रहे हो, इनको आपने दिया हुआ था कुछ तो आपको याद आ गया, लेकिन आप कोई फ्लावर पॉट है उसको आपने कुछ दिया हुआ था, या स्पून पड़ी है, या कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कुछ असाइन किया था, तो वो आपको नहीं याद आएगा क्योंकि इतना मैन्यूट। तो मान लीजिए आपको स्पून पड़ी थी आपको, या कोई ऐसी चीज़ पड़ी, फ्लावर पॉट है, वो फ्लावर पॉट आपको नहीं याद आया, वो छोटी चीज़ है तो आप नहीं याद आया, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी याद नहीं आएगी, डेफिनेटली दिमाग से गायब हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये इशूज़ होते हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर करके इफ़िशियंट हो सकते हो। अगर आप घर पे बैठे हो तो आप 5-6 महीने इस मेमोरी पैलेस की टेक्निक को बहुत अच्छे से अपना के मेमोरी पैलेस डिजाइड कर करके आप उसको डेटा असाइन कर सकते हो चीज़ों को, कि ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद डेफिनेटली आपसे कोई कुछ पूछेगा आप भूल तो सकते ही नहीं हो, और रिट्रीवल इतना ईजी होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ याद हो गया है। और जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं ना, जो गवर्नर जनरल जो मैंने बताया, मैंने 52 गवर्नर जनरल्स याद कर लिए थे, ठीक है, और वो 52 गवर्नर जनरल्स मैं भूलता भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने लोकेशन से एसोसिएट कर दिया अपने डेली लाइफ के, और जब मैं जब उधर से गुजरता हूँ तो एक दो बार मैंने सोच भी लिया कि हाँ ये है, ये है, ये है, तो उसके बाद अब मुझे याद रहता, भूल ही नहीं सकता क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ, और मैंने प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने जिसको जो एसोसिएट कर दिया, मैं उसको दूसरी चीज़ एसोसिएट नहीं कर सकता उसके साथ, तो उसके आसपास कोई और चीज़ डिटेल भर सकता हूँ मैं, मतलब मेरा जो, मान लीजिए मैंने अपने रूम को गवर्नर जनरल के लिए डिसाइड किया है, तो अब वो रूम भी गवर्नर जनरल ही होगा, उसी की डिटेल भर सकता हूँ मैं उससे एसोसिएटेड, लेकिन ये नहीं कर सकता कि मैं उसमें कोई और डिटेल भर दूंगा, गवर्नर जनरल से हटा के कांग्रेस का अधिवेशन ले आऊँ उसमें, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप इसको अगर अच्छे से करोगे, मेमोरी पैलेसेस बढ़ाओगे अपने, बहुत सारी जगह आपने घूमी हुई है, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अब इन एसोसिएशन, इन केस एसोसिएशन थिंग्स अबाउट ऑलरेडी नोन इन्फो, अब क्या होता है कि जब आप मेमोरी पैलेस में आंखें बंद करोगे, आपको उस पे जाओगे पैलेस पे, तो आपको मेमोरी आने लगेगी। दूसरा, आपने एसोसिएशन किया हुआ है किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से जो आपको पहले से पता है, तो आप उससे इन्फॉर्मेशन को जोड़ लोगे, ठीक है, तो उससे आपको वो इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है, समझ रहे हो। जैसे आपको कोई चीज़ है कि मान लीजिए 9 नंबर याद करना है, ठीक है, 8 नंबर याद करना है कहीं पे, 8 या 7, आप कोई पूछे कि ये क्या है, जैसे ये इसमें कोई भी बात बोले कि इसमें कितने मेंबर थे किसी कमेटी में, आपको याद है 7 मेंबर थे, ठीक है, तो आप 7 आपको याद करना है, तो ऐसे नहीं याद हो रहा, तो आप याद कर लो कि जितने सप्ताह में दिन होते हैं ना उतने मेंबर थे, तो आप, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि आपको 7 डेज होते हैं, ठीक है, वीक में, वो तो याद है ही ना आपको, बस एसोसिएट करना है मेंबर से। आप ये एसोसिएशन आपने विजुलाइज कर लिया और मेमोरी में डाल दिया, तो आपसे कल को कोई ये पूछेगा कि अच्छा उस कमेटी में कितने मेंबर थे, तो आपको वो याद आ जाएगा क्योंकि संडे जो था ना 7 मेंबर रहते हैं उसमें, मतलब जो वीक वीक रहता है, वीक में 7 डेज, तो 7 मेंबर थे, ठीक है, और वो याद आ जाएगा। तो इसमें आपने मेमोरी पैलेस नहीं किया, मेमोरी पैलेस की टेक्निक जो है ना मेंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आप काम चला सकते हो ऐसे ही, लेकिन आजकल तो जैसे यूपीपीएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, इसमें तो प्री में भी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो अब तो मेमोरी पैलेस की जरूरत पड़ने लगी है, नहीं तो पहले अगर डेटा पे बेसिस पे आए ना, अगर कोई डेटा से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएँ, फैक्ट पूछे जाएँ जिसमें रटने वाली चीज़ें हैं, तो वो आप या तो विजुलाइज करके याद कर सकते हो या निमोनिक से बन करके याद कर सकते हो, वो एसोसिएट करके, आपको जरूरत नहीं है मेमोरी पैलेस की, मेमोरी पैलेस की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपने देखा, अब देखिए मेमोरी पे आते हैं, नेचुरल मेमोरी क्या होती है, जैसे हार्डवेयर, हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो हमको हार्डवेयर मिला हुआ है, आर्टिफिशियल मेमोरी क्या होती है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है हमको, हमें जो याद रखना है सॉफ्टवेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हमारी हार्ड डिस्क है वो फिक्स है, चलो ठीक, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में जितना अपग्रेड करेंगे, याद करेंगे उसको कल, क्योंकि अब जैसे आपने देखा कि रैम
अच्छी है, ठीक है, रोम अच्छी है, तो आप उसे जल्दी से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, रिट्रीवल बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं तो आप कंट्रोल एफ करके ढूंढते रहो घंटे भर, ठीक है, तो मिल नहीं रहा, तो वो अपग्रेड करना होता है। तो आप अपग्रेड करने के लिए ये जो टेक्निक है मेमोरी पैलेस टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले तो इमेज को विजुलाइज किया और उसको कोई लोकेशन दी और लोकेशन में डाल दिया। लेकिन अगर मेंस नहीं, आपको वन डे एग्जाम निकालना है, तो आप उसको लोकेशन मत दो, उसको सीधे विजुलाइज कर लो और उससे कोई एसोसिएशन बना लो, और जब आप दोबारा याद करोगे तो आपको एसोसिएशन हेल्प करेगा आपकी उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपको कोई जितने सारे स्कीम लॉन्च होती हैं, अब स्कीम को लॉन्च कर स्कीम लॉन्च होगी कहाँ, राजस्थान में लॉन्च होगी, उड़ीसा में लॉन्च हुई, कहाँ हुई, तो आप जब पढ़ो तो उसको आंखें बंद कर एक बार विजुलाइज करो कि ये जो स्कीम लॉन्च हुई है, ये मैप को याद करो और मैप में उस सेंटर पे जाओ, या तो वहाँ जाओ जहाँ आपका घर है, ठीक है। आप उस मैप में अपने, जैसे आप यूपी के रहने वाले हो, तो यूपी में रहने वाले हो तो यूपी में मान लो आप देख यूपी में खड़े होकर देख रहे हो आपकी ये स्कीम कहाँ लॉन्च हुई, तो आप मैप में विजुलाइज करो अपने आप को, आपने इधर देखा तो इधर देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, आपने नीचे देखा, ऊपर देखा, किधर आपको स्कीम लॉन्च हुई, तो एक बार आपने विजुलाइज करा, तो अब जब आप अगली बार पूछा जाएगा तो आप वहीं पे खड़े होगे और देखोगे अगल बगल पूरे मैप में, ठीक है, तो आपको विजुलाइजेशन में याद रहेगा कि अरे यार मैं इधर नहीं था, इधर कहीं था, नीचे साइड था। तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट लोकेशन ना याद आए, लेकिन आपको ये जरूर याद आ जाएगा कि नॉर्थ साइड था, साउथ साइड था, ईस्ट में था कि वेस्ट में था, इतना हेल्प आप एक्सेस में पहुंच सकते हो, ठीक है। और ये एक टेक्निक है, तो ये तो आपके नेविगेशन से इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक निमोनिक्स की टेक्निक जो होती है वो भी बहुत काम की आती है। जैसे आप हर स्टेट को एक एक ऐसी चीज़ से विजुलाइज कर लो, जैसे 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स को आप ना कोई नाम दे दो, ठीक है, तो वो नाम दे दो और उसको विजुलाइज कर लो। जैसे आप तमिलनाडु है, तमिल में आप रजनी खान को जानते हो, ठीक है, या आपको जो मतलब जो तमिलनाडु से चले जो चीज़ रिलेटेड आपको आसान पहले से याद है, बचपन से याद है, वो आप ले लो, ठीक है, उसको आप विजुलाइज कर सकते हो, ऐसे ही लेना कि विजुलाइज कर सकते हो। तो अब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले कि तमिलनाडु में स्कीम हुई है, तमिलनाडु में ये नेशनल पार्क है, तो आप उस चीज़ को ना उसकी कहानी बनाओ उसको, जो ऑलरेडी नॉन इन्फॉर्मेशन के साथ है कि कैसे जुड़ा हुआ है। तो जब आपको वो क्वेश्चन आएगा ना कि ये वैली कहाँ पे है, ठीक है, तो वो आपको ना याद आ जाएगा कि ये जो वैली है ये इधर है, ठीक है, ये कौन सी लोकेशन में है, बहुत हेल्प करेगा आपको। और ये फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में जो बात करी गई है, तो इस बुक में साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, कि आपने कोई पिक्चर देखी और आप जैसे आप ये देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप ये जो देख रहे हो आप फोटो खींच लिया आपकी आईज ने और आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इतने बड़े कंटेंट के आप जस्ट को विजुलाइज कर सकते हो, आपने विजुलाइज कर लिया एक बार तो फिर आप नहीं भूलोगे, तो आपको एक एक चीज याद रहेगी, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक बेकर एंड बेकर पैराडॉक्स के बारे में इस बुक में बात की गई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी मेमोरी को समझने के लिए कि आप क्यों भूल जाते हो और आपको एग्जाम में क्यों नहीं याद आता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा लगता है हमको एग्जाम में याद करते समय कि यार हमने पढ़ा था, लेकिन हमको कुछ भी याद नहीं आता, लिटरली मतलब एक अक्षर तक याद नहीं आता है, कि आपको अपने ऊपर भी मतलब ऐसा शर्म महसूस होती है कि क्या हुआ, मैंने इतना पढ़ा था और आपको एक एक अक्षर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो वो आप समझ में आएगा आपको कि क्यों ऐसा होता है। जैसे देखिए आप मान लीजिए ये आप जो मिस्टर बीन की आपको फोटो लेफ्ट साइड में दिख रही है, अब ये फोटो आपको दिखाई जाए, ठीक है, अब बोला जाए आपसे कि ये जो फोटो है ना, ये फोटो मिस्टर बेकर की है, इसका लास्ट नेम जो है इस बंदे का ये बेकर है, ठीक है, तो अच्छा आपको बोला गया, ठीक। अब आपसे बोला जाए 1 साल बाद, अच्छा ये फोटो किसकी है, तो आप देखोगे, आप बहुत कोशिश करोगे, अरे क्या था, किसने दिखाया था मुझे, ये वो दुनिया भर की बहुत कोशिश करोगे और आपको हो सकता है याद आए, हो सकता है ना भी याद आए, लेस चांसेस हैं कि आपको याद आए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फोटो दिखा के बोला है, कोई बोले कि ये जो बंदा है ना ये बेकर है, बेकर मतलब जो प्रोफेशन इसका बेकर है, केक केक बनाता है ना, कन्फेक्शनरी है उसका काम करता है, तो अब आप क्या करोगे ना, जब आप बेकर सुनोगे कि इसका प्रोफेशन बेकर है, तो फिर आप इसको विजुलाइज करने लगोगे अपने आप विजुलाइज करोगे, अरे ये ब्रेड बनाता है, अच्छा केक भी बनाता होगा, ब्राउनीज भी बनाता होगा, अरे वाह ये तो बड़ा टेस्टी रहती है, ठीक है, और स्मेल भी फील करने लगोगे, लालच आने लगेगा आपको, और कपड़े भी आप सोचोगे अरे ऐसे कपड़े पहनता होगा, जैसे आप राइट साइड में आप देख रहे हो टॉप पे जो पिक देख रहे हो, आप इमेजिन करोगे कैसे करता होगा, तो ये आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है, अब दिमाग में आपकी ये चल रहा है इज बेकर से। तो अब आपसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई पूछता है फोटो दिखा के, अरे इसको देखा कहीं,
तो अब आप क्या देखोगे, आप देखो यार इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसकी नाक बड़ी सी है, आज इसकी कहीं तो देखा था ये कुछ करता था, क्या करता था, इसकी नाक बड़ी है, स्मेल आती होगी। फिर आपने आपने देखा था, आपने पहली बार जब इसको देखा था फोटो, तो आपने देख के इसको जब बेकर समझा था ना कि केक एक बनाता होगा, तो आपने ये भी देखा था कि यार इसकी नाक बहुत बड़ी है, लगता भी शक्ल से बेकर जैसा है कि केक एक बनाता होगा, इसकी शक्ल ही केक बनाने वाली है ऐसी लगती है, क्योंकि इसकी नाक बड़ी है, स्मेल आती होगी अच्छे से, तो समझ पाता होगा बढ़िया बना है। तो आप देख रहे हो, एसोसिएट करो फर्जी कहानी बना के आप बेकर। तो अब आपसे 2 साल 2 साल 3 साल बाद अगर कोई पूछे तो आपको क्या होगा कि आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ ये जो है ना ये उसका केक एक का काम करता था, बेकर है, ब्रेड ब्रेड का कुछ काम था। जैसे 1 ईयर लेटर सपोज यू आर शोन इन दिस पिक एंड बीइंग आस्क्ड हु इज दिस, यू माई नॉट रिमेंबर इफ ओनली टोल्ड लास्ट नेम वॉज बेकर। आपको याद नहीं आएगा अगर इसका लास्ट नेम बेकर है, क्योंकि बेकर नाम से क्या लेना देना, आपने फीलिंग्स कहाँ जोड़ी उसमें, ना ही कोई स्मेल, ना टेस्ट, ना कुछ। आपको ज्यादा नाम लास्ट नेम, आप ज्यादा ये कोशिश कर सकते हो कि किसने आपको दिखाया था, ये याद करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया भर की फालतू बातें याद करोगे आप, तब जाके पहुंचोगे, वो बहुत टाइम लग जाएगा और याद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे ये बोला गया कि इसका प्रोफेशन बेकर है, ठीक है, बट डेफिनेटली रिमेंबर दैट ही इज बेकर इन प्रोफेशन, वाई? अब ये कैसे याद रहेगा आपको, व्हेन यू हियर दैट द मैन इन द पिक इज बेकर, द फैक्ट गेट्स एम्बेडेड इन द होल नेटवर्क ऑफ आइडियाज अबाउट व्हाट ही कुक्स। अब आपके जो न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है ना ब्रेन में, उसमें सब में अब अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। क्या स्टोर होगी, अरे ये बेकर है, अच्छा क्या बनाता होगा, केक बनाता होगा, ब्राउनीज बनाता होगा, बिस्किट विस्किट का काम करता होगा, अच्छा क्या पहनता होगा, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनता होगा, अच्छा स्मेल, अरे स्मेल इसकी नाक बड़ी है तो स्मेल सूंघने में इसको आसानी रहती होगी, अच्छा वाइल द, और ये आपको सारी चीजें याद आएंगी, ठीक है। वाइल द लास्ट नेम विल डिजॉल्व इरिट्रेवली इन टू द नेदर वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट मेमोरीज, जबकि वो लास्ट नेम जो है ना वो आप अगर आगे सिर्फ लास्ट नेम बताया गया होता और ये नहीं बताया होता है बेकर है, तो आपको लास्ट नेम तो रत्ती भर नहीं याद आना है, क्यों, क्योंकि आपको आप याद ज्यादा ये याद कर सकते हो कि वो किसने बताई थी आपको ये इन्फॉर्मेशन, उस पर कोशिश कर सकते हो, लेकिन पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशन बताया गया था बेकर, कि ये बेकर है, तो ये प्रोफेशन याद रहेगा आपको, नाम भले ना याद रहे, और प्रोफेशन याद रहा तो आप देख रहे हो कि क्यों प्रोफेशन याद रहा, क्योंकि आपने उसको विजुलाइज कर लिया इजिली, नाम को नहीं विजुलाइज कर पाया बेकर को, ठीक है, इस तरह से आपको याद नहीं हुआ, तो ये फैक्ट है, ठीक है। या तो आपको नाम याद रखना है मान लीजिए, तो आप ना उसको फर्जी कहानी बना दो कि अरे वो बेकर, नाम बेकर मतलब उससे कहीं है वो बेक करता होगा, ठीक है, तो आपने फर्जी कहानी बना के भी आप याद रखो, तब आपको याद कर सकता है, अच्छा ये शक्ल देख के लग रहा है कि बेकर है, ठीक है, इसकी शक्ल ही बेकर वाली है, तो आपको याद आ सकता है। तो आपने मतलब कुछ ना कुछ विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, तो ये आपकी विजुलाइजेशन जो है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और जो आप नहीं विजुलाइज करते हो ऐसे पढ़ते जाते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, जहाँ शट डाउन हुआ तो सब गायब, ठीक है, तो वो चीज आप समझ सकते हो। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन देयर आर मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू रील द मेमोरी बैक इन। अब जब आप प्रोफेशन के बारे में जब सुनते हो ना, तो आपको बहुत सारी स्ट्रिंग मिल जाती हैं, जैसे वो नहीं मछली पकड़ने वाली है, तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स मिल जाती हैं वो मछली पकड़ने वाले की, आप इन्फॉर्मेशन को वापस ले आओ, क्यों, क्योंकि आपने जब आपने मैन इज बेकर, इवन इफ यू डोंट नो, डोंट एट फर्स्ट रिमेंबर दैट द मैन इज बेकर, आपको स्टार्टिंग में नहीं याद आ सकता, हो सकता है ना याद आए, लेकिन परहैप्स यू गेट सम वीक सेंस ऑफ रेडीनेस अबाउट हिम, लेकिन कुछ हल्का फुल्का फील होगा आपको, सी सम एसोसिएशन बिटवीन हिज फेस एंड ए बिग वाइट हैट एंड फाइंड एनी इरेशनल लॉजिक ऑफ हैविंग ए फेस लाइक बेकर बिग नोज। आपको ना कुछ तो समझ में आएगा, यार इसकी शक्ल लग रही है बेकर जैसी, ऐसा नाक बड़ी है इसकी, तो ये कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प करेगा उस रिट्रीव करने में इन्फॉर्मेशन को। तो देर आर एनी नंबर ऑफ नॉट्स इन द टेंगल ऑफ एसोसिएशन दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू हिज प्रोफेशन। तो बहुत सारी तरीके, क्लूज बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है, अगर लास्ट नेम ही सिर्फ बताया होता तो आपको क्लूज कम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिट्रीव करने के लिए इन्फॉर्मेशन। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात से, कि टर्न एवरी बेकर इंटू बेकर टू रिमेंबर नेम। अब मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, डेटा या कुछ भी याद करना है, तो बेकर है जैसे, ठीक है, तो आप उसको बेकर जो प्रोफेशन से कन्वर्ट कर दो, मतलब फर्जी कहानी बना लो उसकी, तो उसके बाद जब आप याद करोगे ना, एसोसिएट करोगे उसके चेहरे से, नाम को याद करोगे, तो आप चेहरे में कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लोगे कि यार इसका नाम यही होना चाहिए, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये कंक्लूजन।
निकला। दूसरा, वी डोंट रिमेंबर आइसोलेटेड फैक्ट्स, वी रिमेंबर थिंग्स इन कंटेक्स्ट। हमें कोई भी आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं याद रहती हैं कि बिल्कुल हटके ही कोई भी चीज़ बताई जा रही है। हमें क्या याद रहता है? हमें याद रहता है कि जो चीज़ हमारी पहले एग्जिस्टिंग जो हमारे डेटा है दिमाग में, उससे कुछ कुछ ना कुछ तो लिंक मिलना चाहिए उसको। हवा में कोई डेटा नया मिल गया जिसका कोई लिंक ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं है, ना कोई कंपेरिजन कर पा रहे हो, ना आपको एसोसिएट कर पा रहे हो, विजुलाइज करके आपने डाल दिया तो फिर एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे। रिट्रीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एसोसिएट करना पड़ेगा आपकी कोई कोई ना कोई जो ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे आपने बेकर, बेकर का प्रोफेशन देखा तो आपको पता था ना कि बेकर जो है वो प्रोफेशन है और क्या करता है। नहीं पता होता तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जोड़ो जो आपको वही नहीं पता कि ये प्रोफेशन क्या होता है, तो फिर कभी नहीं याद आएगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी नॉन इन्फो है उसी से तो एसोसिएशन करोगे आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आर ब्रेन हैज़ नॉन लीनियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो नॉन लीनियर है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, एसोसिएटिव नेचर होता है। ठीक है, नॉन लीनियर एसोसिएटिव नेचर, नॉन लीनियर का मतलब एक सीधी लाइन में नहीं होता हमारा ब्रेन, ये सीधी लाइन में न्यूरॉन जुड़े हैं और एक से आपने खबर निकालनी तो इधर से उधर फिर डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे चलते चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज़ वाई वी आर अनेबल टू सर्च आर मेमोरीज इन ऑर्डरली वे, इसीलिए जब हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं ना तो हमको ऑर्डर में याद नहीं आती है ये लाइन से। मान लीजिए आपको 10 हेडिंग याद करनी है कोई भी चीज़ की, तो आप क्या है ना, आपको लाइन से याद नहीं होंगी वो चीज़ें, आपको क्या होगा ना, आपको पहले कोई चीज़ याद होगी और फिर आपते हो सकता है 2-3 हेडिंग छोड़ जाओ और फिर आप 5वीं हेडिंग याद आ रही है, फिर 7वीं याद आ रही है, ऑर्डर नहीं है। कोई ऑर्डर होता तब तो आप लाइन से याद करते हैं ना, जब ऑर्डर है ही नहीं तो आप ऐसे कहीं से भी जो भी आपको एक्सेस में रिट्रीव कर लिया आपने वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मेमोरी ओनली पॉप्स डायरेक्टली इनटू कॉन्शियसनेस इफ इट इज क्यूर्ड बाई सम अदर थॉट और परसेप्शन, सम अदर नोड इन नियरली लिमिटलेस इंटरकनेक्टेड वेब। ये कंसेप्ट होता है हमको क्यों याद आता है, कैसे याद आता है। ठीक है, तो अब इवन ए मेमोरी गोज मिसिंग और नेम गेट्स कॉट ऑन द टिप ऑफ द टंग, हंटिंग इट डाउन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड अदर ऑफन फ्यूटाइल। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि आप जब कुछ नाम आम किसी का भूलते हो, आपके जवान में रहता है, आपको लगता है यार मेरी जवान में है, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। क्यों? आपको ऐसा लगता है, कुछ सेंस आपको लगता है कि आप पहुंच तो गए उस न्यूरॉन तक जहां पे ये डेटा है, लेकिन आप उस न्यूरॉन से डेटा ले नहीं पा रहे। क्यों? हंटिंग इट डाउन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड ऑफन फ्यूटाइल, वी हैव टू स्टम्बल इन द डार्क विद ए फ्लैश लाइट फॉर क्यूज दैट माइट लीड अस बैक टू द पीस ऑफ इन्फो वी आर लुकिंग फॉर। क्यों? हमें ऐसा लगता है जैसे हम टॉर्च लेके टहल रहे हों अंधेरे में और हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं मिल रहा। जैसे हर हेयर नेम बिगिंस विद लेल, मान लीजिए उसकी कोई लड़की है, उसका नाम आपको याद आ रहा है कि एल है, एल से स्टार्ट होता है। अब क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, अरे वो हाँ वो पेंटर थी, अच्छा अच्छा कहाँ मिले थे, मेटर पार्टी कपल ईयर्स है, वो कुछ सालों पहले एक पार्टी मिले थे, अच्छा अच्छा अनटिल वन ऑफ दोज मेमोरीज को। अब आप ऐसा सोचते सोचते ना आपको दुनिया भर की फालतू बातें याद आती रहेंगी, फिर आपको हो सकता है आधे पौन घंटे बाद याद आ जाए कि अरे वो एल से लीसा नाम था, तो लीसा। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ नेविगेशन इन ए बुक विदाउट इंडेक्स। ये जो नेविगेशन है ना, ये नेविगेशन किस तरह का है आप देख रहे हो कि जैसे एक बुक होती है ना जिसमें इंडेक्सिंग ना हो, इंडेक्सिंग नहीं होती है तो क्या है, आप ढूंढना पड़ेगा सब, आपको खगलना पड़ेगा इस रूप से देखो, तो ये तरीका है। अब नेविगेशन क्या है, नेविगेशन आपको नहीं मिल पा रहा है एड्रेस। अब ये देखो, अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, अब जैसे आपसे कोई पूछे नाम क्या है, तो अगर उस नाम को आपने मेमोरी पैलेस में डाला होता तब तो बहुत आसानी से ईजिली मिल गया होता, लेकिन आप क्यों डालोगे मेमोरी पैलेस में, क्या मतलब है फालतू का लिया अपना मेमोरी पैलेस ख़राब करना। ठीक है, तो आप उसको किसी चीज़ से एसोसिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से एसोसिएट करके रखो और जो डेली लाइफ की चीज़ों से, और फिर आपको याद आ जाएगा, विजुलाइज करोगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद रखना, याद आना, रिट्रीव करना पॉसिबल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब मान लीजिए आपने एल लीसा, लीसा आपको नाम नहीं याद आ रहा, आपको एल बस इतना याद आया, और पेंटर याद आया, पेंटर से दुनिया भर की चीज़ें आप सोच रहे हो लेकिन आपको ये आई ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लीसा नाम को अब क्या करो कि लीसा नाम आपने सुना था, आपको मान लो वो बहुत इंपॉर्टेंट लड़की है आपके लिए, तो आपको लीसा नाम को याद करो, ईसा, ईसा से याद कर लो कि चलो ईसा मसीह की बहुत वो मतलब पूजा करती थी, तो मतलब इस तरह से कुछ भी बना लो ईसा, तो आपको याद आएगा इसका नाम ईसा ईसा कुछ था। और तो आप जब उसको देखोगे तो आपको गॉड दिखाई देंगे, क्रिश्चियन गॉड, तो आप देखोगे अरे इसका नाम है लीसा, ईसा, ईसा नाम, हाँ लीसा नाम था। ठीक है, तो नेविगेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, समझ रहे हो, जब आप उसको विजुलाइज कर लेते हो उसी के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको नेविगेशन इजी हो जाएगा। ये जो आप दुनिया भर के क्या पहना था, क्या नाम था उसका, कहाँ मिले थे, ये सारी चीज़ें आपको गो थ्रू नहीं करनी पड़ेंगी, फिर आप उस पर्टिकुलर जगह पर पहुँच के उसको रिट्रीव कर लोगे, तो ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो
बिकॉज आर मेमोरी डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ लीनियर लॉजिक. हमारी जो मेमोरी है ना वो लीनियर लॉजिक फॉलो नहीं करती है कोई, कि आप एक जगह से चले, एक जगह पकड़े और सीधे 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 आप चलते चले जाओ. क्यों? हमारी जो मेमोरी है, न्यूरॉन्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क की तरह है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. ऐसा नहीं है कि एक लाइन में सीधी लाइन बनी हुई है, मोतियों की माला चाहे कि एक माला से दूसरे माला तीसरे माला, ऐसे तीसरे मोती में नहीं जा रही है. ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कहीं से भी कोई भी चीज़ एक्सेस हो सकती है. ठीक है, तो ये आपने देखा कि लीनियर लॉजिक नहीं फॉलो करता है, और नाइदर सिक्वेंशली सर्च कर सकते हैं ना ही ब्राउज कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, कंट्रोल एफ मारा वो हमको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है मेमोरी में. ठीक है, हमको एसोसिएट करना रहता है, हमें या तो मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज कर लो, या तो हमको रिट्रीव करना है इन्फॉर्मेशन को, तो उसको विजुलाइज करो और कोई कोई हेल्प लो किसी चीज के विजुलाइज करने के लिए. ठीक है, किसी को शक्ल से, जैसे कि आपको किसी का चेहरा याद रखना है. ठीक है, ये चेहरे, इस बंदे का नाम क्या है, आपको पता है डेफिनेटली आप भूल जाओगे उसका नाम, तो आप उसको ना उसके फेस का जैसे लुक्स है, उसके लुक्स को एसोसिएट करो उससे, कि ये जो है कैसा दिखता है, मोटा है, इसका नाम फैट कुछ में फैट है, तो उससे एफ से नाम हो तो उसका कुछ भी बना सकते हो आप, कि हाँ ये नाम होना चाहिए इसका, तो आप ऊट पटांग कोई भी चीज़ करके और नाम बिगाड़ के इस तरह से याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ आप समझोगे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में भी. और ये जो प्री और मेंस एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस एग्जाम के लिए मेमोरी पैलेस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. जो जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर, और वो 6 महीने, अगर 5-6 महीने दे दें मेमोरी पैलेस, तो वो दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं कि उन्होंने क्या पढ़ा साल भर, 2000 चाहे जितनी किताबें पढ़ते चले जाएंगे उनको याद रहेंगी, एक भी चीज़ नहीं भूलेंगे. क्योंकि मेमोरी पैलेस आपको बनाने है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है. और दूसरा, ये विजुलाइजेशन करना आना चाहिए आपको, और जितना विजुलाइजेशन करते रहोगे तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप विजुलाइज करोगे तो आप एसोसिएट करने लगोगे, जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतने ज्यादा एसोसिएशन होंगे, उतना ज्यादा याद रहेगा. अब आपको कुछ मान लीजिए, मैंने बोला आपको एसोसिएट करना है, आपको एसोसिएट करने के लिए कोई डेटा होना भी तो चाहिए ना आपके दिमाग में, जब कुछ खाली दिमाग है, कुछ है ही नहीं, तो एसोसिएट किस में करोगे? तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसी में तो एसोसिएट करोगे आप, तो आप पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की. ठीक है, बहुत ज्यादा आपको एसोसिएशन पैसे पहले याद कर लो, फिर आपको और याद करने में और हेल्प मिलेगी, जोड़ते चले जाओगे आप, लिंक बनाते चले जाओगे. ठीक है, अब मेमोरी पैलेस टेक्निक का आप देख लिया आपने कि मेमोरी इमेज की बात करती है, प्लेस क्या होता है, प्ले पैलेस, मेमोरी पैलेस में पैलेस कोई भी होता है, रास्ता हो सकता है, स्टेशन की शॉप्स हो सकती हैं, जोडियक साइन हो सकता है, मिथिकल क्रिएचर हो सकते हैं. ठीक है, आप कुछ भी याद कर लो, मिथिकल क्रिएचर से बना लो आप, पैलेस दे दो कि कोई भी कैरेक्टर, आप जैसे मूवी है, मूवी के कैरेक्टर, अवेंजर्स के कैरेक्टर्स को आप असाइन कर दो कि ये है मेरी नज़र में. ठीक है, आयरन मैन को ये कंसीडर करूंगा मैं. ठीक है, अब ये है आयरन मैन मेरी नज़र में, लो पुरुष. ठीक है, और इसमें क्या क्या कैपेबिलिटी है, तो आप, आपको जब याद रखना होगा तो दुनिया भर की चीज़ें एसोसिएट कर लोगे आप फर्जी कहानी बना के, और आपको रिट्रीवल ईजी हो जाएगा, रिट्रीव कर पाओगे, क्लूज मिलने लगेंगे, ऐसे क्लूज नहीं मिलते हैं. ठीक है, आप विजुलाइज नहीं करते हो. कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आप बॉडी पार्ट्स को एक ही दो बार कुछ ही चीज़ों के लिए याद करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जितनी आपके विजिबल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आप दे दो कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, पांच उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां, ये मेरे लिए, ये है, ये है, तो आप जब देखोगे, आप उंगलियां देखोगे तो आपको ये रोज़ रोज़ रिवाइज हो जाएगा कि ये था, भूलोगे नहीं कभी. लेकिन अब आप उसको दोबारा जब उसको रिप्लेस करके कोई और डेटा भरोगे तो आप नहीं भर पाओगे, तो आप एसोसिएट तो कर सकते हो लेकिन आप नई डेटा नहीं डाल सकते हो, ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है मेमोरी पैलेस में, लेकिन है बहुत बेस्ट. जितने ज़्यादा मेमोरी पैलेस होगा आपके पास उतना आराम हो जाएगा आपको, सब सब याद रहेगा आपको, भूलोगे नहीं आप डेफिनेटली. ठीक है, नॉर्मली मेमोरीज आर स्टोर मोर और लेस एट रैंडम इन सिमेंटिक नेटवर्क्स ऑफ वेब एसोसिएशन, बट बाई मेमोरी पैलेस टेक्निक यू कैन स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ मेमोरीज इन ए वेरी कंट्रोल्ड कंटेक्स. आप कंट्रोल वे में आप उसको स्टोर कर सकते हो, वैसे भी स्टोर कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेमोरी पैलेस, लेकिन स्टोर कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल्ड वे नहीं होगा, आपको ऑर्डर सही याद नहीं होगा. ठीक है, आपको क्लू चाहिए होगा थोड़ा बहुत, क्लू आप क्लू को ईजी बना सकते हो कि कैसे याद आ जाए हमको. ठीक है, लेकिन इसमें मेमोरी पैलेस में तो आप मेन्स में राइटिंग परस्पेक्टिव से एकदम अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, सिंपली क्लोज योर आइज एंड सर्च इन दैट पैलेस, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर करी. अब देखिए, आर इंटरनल मेमोरीज और एसोसिएशनल नॉन लीनियर, जो मैंने पहले बता दिया. अब देखिए, नॉन लीनियर क्या है, जब पहले जमाने की जब बुक होती थी ना, तो उसमें ना इंडेक्स होती थी ना पेज नंबर होता था, तो वो क्या होती थी, वो भी जो होती थी ना, वो लीनियर बोला जाता था उनको, लीनियर. क्यों? मान लीजिए आपको कोई चीज़ पढ़नी है, चैप्टर है नहीं उसमें, पूरी बुक पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको बदलेगा कोई चीज़ कहाँ है, ना पेज नंबर है, ना कोई नेविगेशन, बड़ा दिक्कत था. ठीक है, तो वो लीनियर बुक थी, इसको
इसको बोलते हैं लिनियर, ठीक है। लेकिन आज की डेट पे क्या है, आप देखते हो चैप्टर बना दिए हैं, पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, इंडेक्सिंग कर दी है, तो आप नेविगेशन हो जाता है, नॉन लिनियर है। जहाँ जो चैप्टर में जाना डायरेक्ट वही सर्च करो, वो निकाल लो इन्फॉर्मेशन। वैसे ही हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में कोई लिनियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पढ़ने, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो आप एक लाइन से ये पढ़ते जाओ और याद करते जाओ, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कई बार आप कोई चीज़ लाइन से याद करते हो लेकिन फिर भी आपको याद नहीं आती है। आप कहते हो यार हमने लीनियर वे में याद करी थी, याद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मेमोरी जो है ना, आप लीनियर वे में याद करने का क्या तरीका, जैसे मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री में आपने स्टार्टिंग करी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी तो हर बार आप पहले ही चैप्टर से रोज रोज थोड़ी ना पढ़ते चले जाते हो, आप अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ते हो, तीसरा पढ़ते हो, तो ये गलत होता है। अगर ऐसा होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में ना इंडेक्सिंग होती ना पेज नंबर होता, आपको रोज पढ़ना पड़ता, तो आपको लीनियर फॉर्म में याद भी आता, फिर आप एग्जाम में ना लीनियर ही याद करते, फिर आपको एक एक चीज याद आती कि हाँ पुर्तगाली आए थे और ये वो लाइन से बीच से, फिर आपको इतना दिक्कत नहीं होता। लीनियर वे में याद कर पाते नहीं, कर सकते आप। अब नेविगेशन आपको अलग अलग वे में स्टोर करना है, आपको नेविगेशन चाहिए, सबका रिट्रीवल चाहिए कि रिट्रीव हो जाए वो इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्लू चाहिए या ऑर्डर वे में करना है तो मेमोरी पैलेस में डालो उसको, ठीक है। ऑर्डर वे में नहीं चाहिए अगर, तो आप उसको निमोनिक्स बनाओ या विजुलाइज करो और किसी ऑलरेडी नॉन इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट कर दो, तो आपको याद रहेंगी वो चीज़ें, नहीं भूलोगे आप कभी भी, ठीक है। अब ये देखिए कि इट्स जब भी आर इंटरनल मेमोरीज आर एसोसिएशन नॉन लीनियर, यू डोंट नीड टू नो वेयर ए पर्टिकुलर मेमोरीज स्टोर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड इट। आपको जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ स्टोर है, आपको बस खबर जो भी आपकी मेमोरी होगी वो याद आ जाएगी, और कभी कभी बदकिस्मत हो गए तो नहीं याद आएगी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डेंस नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स आवर मेमोरीज, वी कैन स्किप अराउंड मेमोरी टू मेमोरी। तो हमारा जो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है ना, वो इतना मतलब आप देखोगे ना इंटरकनेक्टेड है कि हमारी जो मेमोरीज है ना, आप देखो मिल्क दूध से लेके आप मिल्की वे गैलेक्सी पे चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ना लीनियर वे में थोड़ी ना है, आपका ब्रेन तो इतना खुला, इतना वास्ट है, अंदर ही न्यूरॉन्स है, अलग अलग इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी जोड़ सकते हो आप लिमिटलेस ब्रेन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लीनियर फॉर्म में काम करेगा वो, तो इसकी वजह से हम न्यूरोलॉजिकल वे में वो चीज़ है, रिट्रीवल करना डिफिकल्ट होता है एग्जाम में हमको लिखने के लिए कई बार, क्योंकि हमने लीनियर वे में ना उसको पढ़ा है। लीनियर वे में पढ़ने का मतलब जैसे बिना इंडेक्स की बुक पढ़ना, लीनियर वे में उसमें ना कोई इंडेक्स ना पेज नंबर हो, ऐसी बुक पढ़ना लीनियर वे में पढ़ना रोज रोज। लीनियर वे में नहीं पढ़ा तो लीनियर वे में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपको याद आए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में याद आएगा तो आपको रिट्रीवल के लिए क्लूज ज़्यादा चाहिए होंगे, विजुअल फॉर्म में रखोगे तो आपको क्लूज मिलेंगे, नहीं तो क्लूज कम होंगे तो याद ही नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इंडेक्सिंग वर्क ए मेजर एडवांस बिकॉज दे अलाउड बुक्स टू बी एक्सेस इन द नॉन लिनियर वे वी एक्सेस आर इंटरनल मेमोरीज। तो अब देखो इंडेक्सिंग जो हो गई ना, वो अब सेम हमारे दिमाग की तरह काम करती है। जैसे इंडेक्सिंग क्या है कि हम इंडेक्सिंग करते हैं अपने पे, कौन से पेज नंबर पे क्या है, कौन सा चैप्टर है, तो ये हमारा ऐसे ही हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन भी नॉन लिनियर वे में एक्सेस करता है कि हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूरॉन में सेल, ब्रेन सेल में स्टोर होगी वो इन्फॉर्मेशन। जब हमको चाहिए होती है तो हमें क्लू चाहिए होता है, उस क्लू से हम पकड़ के खींच लाते हैं उसको, उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो याद रहता है। अब सम बिलीव्स ब्रेन रिकॉर्ड्स एवरीथिंग टू विच इट पेज एनी डिग्री ऑफ कॉन्शियस अटेंशन एंड दैट दिस रिकॉर्डिंग इज परमानेंट, वन कैन रिकॉल ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद जस्ट ए फ्यू रिट्रीवल क्लू। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रेन जो है ना, वो हर चीज़ जो उसकी आपने ध्यान से पढ़ी है तो वो रिकॉर्ड कर लेती है और परमानेंट होती है रिकॉर्डिंग, और जब आपको क्लू मिलना चाहिए होता है तो क्लू से आप उसको याद कर लोगे तुरंत, क्लू नहीं याद आया तो फिर आप रह गए, फिर आपको कुछ नहीं याद आएगा, ठीक है। तभी आप निमोनिक्स भी कई बार याद करते हैं कि पहला अक्षर याद कर लें तो पहले अक्षर से आप पूरी कहानी याद आ जाएगी आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म में वर्किंग मेमोरी की बात होती है। अब ये बहुत आपने पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, जैसे कंप्यूटर की रैम कैश मेमोरी होती है, ठीक है, जो जो जब तक चल रहा है जहाँ शट डाउन हुआ गया, रोम रीड ओनली मेमोरी में नहीं गया। तो अब देखो आप मान लो कई बुक पढ़ते जा रहे हो, जैसे ये मेरा वीडियो ही देख रहे हो आप, ठीक है, ये वीडियो आप देखते जा रहे हो और आपने विजुअलाइज नहीं किया कोई भी चीज़, आप सिर्फ कहानी इधर सुनते जा रहे हो और उसके बाद आप बंद कर दोगे बस, और उसके बाद आप देखोगे कि ये सब रैम में आके गया और जहाँ आपने बंद किया और उसको थोड़ी देर सोए आप, सब गायब दिमाग से। क्यों गायब? क्योंकि आपने उसको विजुलाइज किया नहीं। और हमारा ब्रेन क्या है ना, हमारा ब्रेन समझदार है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ आपको याद करनी चाहिए और कौन सी नहीं याद करनी चाहिए, क्योंकि उसको भी लगता है फालतू इन्फॉर्मेशन क्यों याद करें, ठीक है। तो वो क्या करता है, देखता है यार इसने बंदे ने ना विजुलाइज किया ना कुछ अटेंशन दिया, बस सुन लिया कहानी ऐसे, तो ये फालतू की चीज़ रही होगी। तो क्या मतलब, जैसे आपको कल ये याद रखना कि आज क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, या कल
क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, तो नहीं याद रहता क्योंकि ब्रेन को लगता है ये क्या कैजुअल चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। ठीक है, तो अब स्पेशल कुछ हो जाए उस ओकेजन में तो आपको याद भी रहे कि हाँ मैंने ये खाया था, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारा ब्रेन जो है इसीलिए वो इतना कंसिडर नहीं करता है, रैम रैम की तरह रखता है उसको, हटा देता है, रोम में नहीं जाता। तो आप इसको ओवरकम करना कैसे ओवरकम, अब आप बार बार उस चीज को पढ़ो। एक तो ये होता है जैसे रिविजन रिविजन बोलते रहते हैं ना, रिविजन बोलने से क्या होता है, अब ये कहानी है ये वीडियो बार बार देखो बार बार देखो, तो आप दिमाग को बहुत टाइम लगेगा, वो समझेगा अरे यार इसका काम का होगा, तभी ये रोज सुनता है। ठीक है, तो वो मानने लगेगा, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा देर से। तो ये तरीका जो है रिपीट वाला, ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता, कई बार रिविजन आप करोगे तो भी भूलोगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, विजुलाइज करो। आप विजुलाइज करोगे ना, बिकॉज विजुलाइजेशन नीड्स अटेंशन एंड योर ब्रेन थिंक्स दैट द इन्फो इज इंपॉर्टेंट। जब आप विजुलाइज करते हो तो हमारा ब्रेन क्या सोचता है ना कि यार ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, बंदा सोच रहा है मेरे उसके बारे में और विजुलाइज कर रहा है, अरे तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है, तो वो सीधे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और अगली बार आया, अब ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी चले गए तो आप परमानेंट भगवान हो गए, आपको सब भूल ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब तुम गई लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो गई, ठीक है, आप भूलोगे कम भूलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं भूलोगे, 100% याद रहेगा। हाँ ठीक है, 90% याद रहेगा आपको, 10% आप भूलोगे। ठीक है, इतना तो है एक्यूरेसी, 90% याद रहेगा, 10% आप भूलोगे। आप दोबारा फिर से विजुलाइज करोगे और हेल्प लोगे अपने विजुलाइजेशन की, तो आप देखोगे फिर 100% भी रिटेन रहने लगेगा, तो आपको याद रहेगा चीज, आप नहीं भूलोगे, ये तो डैम श्योर है। ठीक है, अब और जो ये रिपीट थिंग्स एंड ओवर है, इसको रोट लर्निंग बोलते हैं। ये रोट लर्निंग क्या है, ये जब आप किसी भी चीज़ को बहुत बार पढ़ोगे, मतलब पढ़ते 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 छक गए, रोज़ रिवाइज कर रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो फिर आदमी की वो चीज़ चली जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। इतनी बार आपने यूज़ किया, आप सोचो आपको ये सारे वीकडेज क्यों याद रहते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे क्यों नहीं भूल रहे आप, इसलिए नहीं भूल रहे ना क्योंकि आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है इनकी, जो रोज़ ज़रूरत पड़े कैसे नहीं याद रहेंगे, सब ऑर्डर में याद रहेंगे, रोज तो लाइफ में प्रैक्टिस करते हो आप, कैसे भूल सकते हो आप। ठीक है, वो नहीं भूल सकते आप क्योंकि हमने हमारे ब्रेन ने मान लिया है कि इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हम इतने हैबिचुअल भी हो गए कि अब हम नहीं भूल सकते उस चीज को। और हमारा ब्रेन क्या है, जो विजुअल्स होते हैं आप देखोगे कई बार क्या होता है कि आप जैसे लोग कहते हैं ना कि मूवीज देख लो, भगत सिंह मूवी देख ली आपने तो आपको सारा डेटा और हेल्प मिलेगी हिस्ट्री में, तो आप भगत सिंह मूवी देखोगे ना, जब आप मूवी देखोगे तो आप मूवी में आपको एकदम अजय देवगन कैरेक्टर खूब फील होगा, आंखें बंद करोगे आपको अजय देवगन कैरेक्टर याद आएगा, दुनिया भर के जो रोल हैं उनके कुछ डायलॉग्स याद आ जाएंगे, किस तरह से हुआ, हंसने वाली ह्यूमर वाली चीज़ें याद आएंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, जो डेटा लिख के आता है नीचे, जो ये आपको नहीं याद आएगा। क्यों नहीं याद आएगा, क्योंकि आपके दिमाग को लगेगा अरे क्या पे मतलब ये चीज़ें यूजुअल नहीं है, ये मतलब यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपने विजुलाइज किया नहीं डेटा टेक्स्ट, उसको आपने विजुलाइज तो किया नहीं, आपने हेल्प तो आपको जो चीज़ दिखी, जो आपको स्क्रीन में दिखी वो बेकार की चीज़ें जो आपको मतलब की नहीं है, वो आपके दिमाग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और वो जा रही है दिमाग में, लेकिन जो चीज़ आपके सच में काम की है और जो बोरिंग है, जो आप नहीं आप विजुलाइज कर रहे हो उसको, जो डेटा है कि कौन सी तारीख को क्या हुआ, वो नहीं याद रहेगा आपको, क्योंकि उसको लगेगा इसमें कौन सी स्पेशल चीज़ है, ये स्पेशल नहीं है। मूवी देख रहे हो आप, मूवी में स्पेशल क्या है, गाने हैं, मूवी में स्पेशल क्या है, क्या एक्टिंग की है, मूवी में स्पेशल क्या है, क्या डायलॉग मारे हैं, क्या गजब, ये है स्पेशल, ये स्पेशल नहीं है कि कौन से दिन क्या किया है। ठीक है, तो ये आप इस वजह से वो चीज़ नहीं याद रहती है आपको, तो ये आप क्या है ना विजुलाइज करना आपको जरूरी है कि वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट है। और आप जब कोई नई डेट पढ़ोगे ना, तो आप नई डेट को आप जो ऑलरेडी नोन डेट है, जिसको आप पहले से जानते हो, उस डेट से इस डेट में कितना फर्क है, इसके थ्रू याद करो तो और जल्दी याद हो जाएगा वो, ऐसे तो याद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो आप भूल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी नोन इन्फो में आप उसकी हेल्प लेके याद करने की कोशिश करोगे, या विजुलाइज करो उसको इमेज में कन्वर्ट करके विजुलाइज कर लो, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर दिख रहे हो किस तरह से न्यूरॉन्स को मैंने पिक्चर दिखाए हुए, तो ये सब में स्टोर रहता है डेटा। ठीक है, तो ये एक्सेस होता है, ऐसे लिनियर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड वेब है, तो इसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करना रिट्रीवल बहुत डिफिकल्ट होता है। आप क्लूज चाहिए होते हैं, क्लूज आप विजुअलाइजेशन के थ्रू ही ला सकते हो, ऐसा नहीं आएंगे क्लूज। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये आपके प्री और मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी पैलेस टेक्निक जो मैंने बताई, ये अगर आप सच में प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए और आपको डिफिकल्टीज होती है कि बार बार भूलते हो, तो आप इसको यूज़ करो। ठीक है, अब मेमोरी पैलेस टेक्निक को यूज़ करो और पैलेसेस बनाओ अपने दिमाग में और उसमें डेटा स्टोर करो, तो आप रिट्रीवल टाइम पे रिट्रीव कर पाओगे और लिख पाओगे उसको।
हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वन डे एग्जाम देने हैं, ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, तो आप उनको विजुलाइज करो और मेमोरी पैलेस मत बनाओ, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ उसको एसोसिएट करोगे, किसी ऑलरेडी नोन इन्फो के साथ एसोसिएट करते जाओ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने बोला मेमोरी पैलेस पैलेस बना लो, तो मेमोरी पैलेस में आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना होता है कि एक रूट रास्ते में, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं याद रखना है तो मेमोरी पैलेस तो बनाओ लेकिन उसको ऑर्डर मत रखो। बिना ऑर्डर के आप याद रखो कि हाँ टीवी मेरे लिए ये है, मेरी आंखों के सामने रहती है, तो जो या हाथ है आपके पांचों गलियां, तो उसमें कुछ किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट में जो भी चीज आप विजुलाइज कर सकते हो उसमें डाल दो, ऑलरेडी नोन में जोड़ दो, आपको नहीं भूलोगे। तो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप देखिए और समझिए, तब आप जब तक आपको ये माइंड जो हमारा ब्रेन है उसकी स्ट्रेटजी मालूम नहीं होगी, आप पढ़ते रहोगे, क्रैम करते रहोगे, रोट लर्निंग करते रहोगे और भूलते रहोगे, ठीक है। तो आप भूल और आपका मोरल भी डाउन होता रहेगा बार बार। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये मेमोरी पैलेस टेक्निक मैंने भी ट्राई की हुई है और मैंने 52 नेम्स का गवर्नर जनरल्स के लाइन्स याद कर लिए थे और अभी तक नहीं भूला मैं उनको, ठीक है। आपको भी विश्वास नहीं होगा, ये एक मैजिक की तरह होगा, आपको लगेगा ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि दैट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर 52 नेम्स ऑफ गवर्नर जनरल इन ऑर्डर। दिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई टू लर्न बाई रोट लर्निंग, बट इफ यू लर्न ये ओनली इन 15 to 20 minutes बाई विजुअलाइजेशन यू कैन रिमेंबर ऑल द नेम्स, एवरी थिंग यू कैन रिमेंबर। बट द ओनली प्रॉब्लम यू विल फेस दैट यू विल हैव टू यूज मोर मेमोरी प्लेसेस, यू हैव टू स्टोर मेमोरी प्लेसेस इन योर माइंड, और द प्लेसेस यू विजिट, यू शुड विजिट मोर प्लेसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर मेमोरी पैलेसेस, ठीक है। द मोर मेमोरी पैलेसेस यू हैव, द मोर डेटा यू विल हैव, द मोर इंटरकनेक्शन यू विल हैव बिटवीन दैट डेटा, दैट इज इमेज एंड दैट मेमोरी पैलेस, एंड द मोर यू रिमेंबर। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू।